यही उद्देश्य आज मैं जो पार्टी स्थापन करने जा रही हूँ, तो मैंने अपने जो मैं समाज सेवा कर रही हूँ आज एक साल से, और मैंने समाज सेवा करते करते देखा कि भ्रष्टाचार करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अति का अंत हो गया है। और अति का अंत करने के लिए जब जब कहते हैं ना धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान धरती पर जन्म लेते हैं, पर मैं ये तो नहीं बोलती कि मैं भगवान हूँ, पर मैं ये मानती हूँ कि हम कुछ पहल करें तो कुछ हो सकता है। और मेरी पार्टी का यही उद्देश्य है, भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र मुझे बनाना है। कौन सी पार्टी का नाम क्या है और स्थापना कब होगी? पार्टी का नाम है शिव शक्ति सेना। हमारा पेपर वर्क वकील सब चालू है और जिनके 3-4 महीने में पार्टी की स्थापना हो जाएगी। आज मैंने पार्टी अनाउंस की है, बहुत जल्दी एक बड़ा मेलावा 1,00,000 संख्या का लेके मैं शक्ति प्रदर्शन करूंगी और पूरी पार्टी का एजेंडा वहीं पे बाकी का और बताऊँगी। ये पार्टी खोली जा रही है तो धनंजय मुंडे साहब से कोई बातचीत हुई उनके साथ? अभी उनसे तो मेरी बात हुई है इस विषय पे, पर उन्होंने बोला है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो उनकी भी पार्टी है, उन्होंने कोई आपको आमंत्रण नहीं किया उनके पार्टी में? उन्होंने किया था मुझे आमंत्रण, पर जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा उद्देश्य अलग है। मेरे को कई पार्टियों से निमंत्रण आ रहे हैं पिछले जब से मैं जेल से छूटी हूँ, कई पार्टियों से आ रहे हैं, पर मैं ये मानती हूँ कि मुझे कुछ अलग करना है। क्योंकि मैं किसी भी पार्टी में जाती तो मुझे वहाँ पर दबाया जाता अलग अलग, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं मेरा मालिक कोई और होता। तो जो आज मैं करप्शन के खिलाफ लड़ना चाह रही हूँ वो मैं नहीं लड़ पाती। तो आपने ये भी बोला कि और भी मेरे तुम्हारे जैसे और भी औरतें हैं कि जिनके मंत्री ने उनको अन्याय किया है, मंत्री जी ने, तो वो क्या? जैसे मैं अकेली एक औरत नहीं हूँ कि जो मंत्री की बीवी हूँ और मेरे पे अन्याय हो रहा है, सब पे अन्याय हो रहा है। 100 में से 110% महिलाओं पे ही जो मंत्रियों की बीवियाँ हैं उन पे अन्याय ही हो रहा है, पर सब चुप बैठी रहती हैं। किसी उसमें मैं भी आज 25 साल से चुपी बैठी थी, पर भगवान की ऐसी कृपा हुई मेरे पे कि मेरे पति ने ही मुझे छेड़ दिया। तो अब छेड़ा है तो उनको देखना भी पड़ेगा कि आगे ये कहाँ तक जाता है। और मैंने ये सोचा है कि जब मेरे ऊपर इतना अन्याय हो रहा है सब, मैं आप लोगों को मेरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मेरे पे कितना अन्याय हुआ है फोटो वीडियो सब मैं मीडिया को देने वाली हूँ। और अभी जैसे कि सबको मालूम है कोर्ट पे मेरी रोक है, तो पति के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, पर हर मंत्री की बीवी पे अन्याय बहुत होते हैं। जैसा कि अभी आपने वो अपने शिवसेना का फ़ोन आया था ना, जो शिवसेना की पार्टी के वो जो नेता थे उनकी बीवी को भी उन्होंने वैसे ही मेरे जैसे ही सेम केस था उनका, पर मैटर ऑफ द पार्टी का मेन ऑफिस हमारा मुंबई में रहेगा। अभी हम लोग संगम नेर मुंबई और अहमदनगर में पार्टी का ऑफिस चालू कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम चालू है हमारा। आज हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन से ही लोगों को जोड़ने का काम चालू कर